अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रहमान बेग फ्रॉम पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल। पिछले चंद अरसे से हमारे पास डीवॉर्मिंग के केसेस बहुत आ रहे हैं और हमारे क्लाइंट्स बार बार सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा है कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं ताकि हम अपने दूसरे क्लाइंट्स को भी पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस दे सकें। तो जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डीवॉर्मिंग करवानी क्यों चाहिए, डीवॉर्मिंग के फ़ायदे क्या हैं और डीवॉर्मिंग होता क्या है। बेसिकली डीवॉर्मिंग या एंथेलमेंटिक ड्रग, ये बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम अपने पेट्स को हम देते हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, ताकि उनके अंदर वर्म्स की प्रोडक्शन ना हो, जिसकी वजह से उनका हेल्थ स्टेटस बेहतर हो सके। अब ये डीवॉर्मिंग करवानी क्यों ज़रूरी है, हम ये देखते हैं कि हमारे पेट्स बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं। कुछ पेट्स जो होते हैं वो टोटली होममेड फूड पे होते हैं, लेकिन उनकी डीवॉर्मिंग करवाना लाजमी होती है। फॉरेन कंट्रीज में वर्म्स को बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो रेगुलर डीवॉर्मिंग करवाते हैं। हार्ट वर्म्स के अगेंस्ट भी करवाते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स के अगेंस्ट भी करवाते हैं, टिक्स एंड फ्लीज जो कि स्किन के ऊपर आ जाते हैं उसके अगेंस्ट भी ट्रीटमेंट रेगुलर वेट से करवा रहे होते हैं। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन से वर्म्स कैट्स के अंदर ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली जो कैट के अंदर वर्म्स होते हैं वो टॉक्सोकैरिस कैटाई और टॉक्सोकैरिस लियोनिना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं कैट्स में। उसके बाद कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो कि कैट्स और डॉग्स में बहुत कॉमन होते हैं, जो कि फ्ली की वजह से आ जाते हैं। लाइक कैट और डॉग्स अपनी ग्रूमिंग कर रही होती हैं, ग्रूमिंग के दौरान वो लिक करती हैं फ्लीज के फीसिस को और वो इंजेस्ट कर लेती हैं, जिसमें बेसिकली वर्म्स के एग्स होते हैं। जैसे ही वो बॉडी के अंदर इंजेस्ट करती हैं तो वहाँ पर जाके वो वर्म्स बन जाते हैं, जो कि दोबारा वर्म इन्फेस्टेशन करवा देते हैं। इसके अलावा एस्केरिस आ जाते हैं, उसके बाद हुक वर्म्स आ जाते हैं, उसके बाद टेप वर्म्स आ जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लाइंट कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, इनके हेयर लॉस हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हेयर लॉस के अंदर डीवॉर्मिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर लॉस के अलावा देखते हैं कि कोट रफ होना शुरू हो जाता है, ऑक्युलर डेब्रिस आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वॉमिटिंग और डायरिया एक्सट्रीम केसेस में होता है, सम केसेस में पॉट बेली हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी कैट और डॉग खा बहुत रहे हैं लेकिन उनको लग नहीं रहा और उनका पेट भी बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर भी वर्म्स के चांसेस हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे डीवॉर्मिंग स्केजुअल। जब भी पपी या किटन 6th वीक का होता है तो आप अपने नियरेस्ट वेट के पास जाएंगे और उसको डीवॉर्म करवाएंगे। उसके बाद दोबारा आप उसकी डीवॉर्मिंग करवाएंगे एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स। जब आपका पपी 6 मंथ्स का हो जाएगा तब आपने उसकी डीवॉर्मिंग राइट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स करवानी होगी। और डीवॉर्मिंग के लिए प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जेंटल या ह्यूमन वाले डीवॉर्मर ना यूज़ करें। हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आती है कि लोग डीवॉर्म करते हैं लेकिन उसके बावजूद वर्म्स इन्फेस्टेशन वैसी ही रहती है। तो काइंडली अपने नियरेस्ट वेट से रब्ता करें ताकि वो एक अच्छी डीवॉर्मिंग कर सकें, जिससे आपके पेट्स भी हेल्दी रह सकें। जब भी डॉग या कैट की एज 6 मंथ्स हो जाएगी तो उसके बाद आपने एवरी 3 मंथ्स के बाद आपने उनकी डीवॉर्म करवाना होगा, और हर साल आपने कोशिश करनी है कि डीवॉर्मिंग का सॉल्ट चेंज करवाएं जो कि आपके वेट बेहतर जानते हैं। तो कोशिश करें कि डीवॉर्मिंग जो है वो अपने नीरेस्ट वेट से करवाएं और अथेंटिक वेट से करवाएं। और डीवॉर्मिंग करवाने के बाद हम इसका पासपोर्ट बनाते हैं जिसके ऊपर इसकी तमाम डेट, वेट और इसका बॉडी कंडीशन स्कोर लिखा जाता है, जिससे आपको ये भी पता लग जाता है कि आपका पेट हेल्दी हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब हम करते हैं डीवॉर्मिंग। तो जी, डीवॉर्मिंग इनकी हो चुकी है, इंशाल्लाह अब दोबारा इनके अंदर वर्म्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा टिल 3 मंथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल।